आज मैं आपको आप और आपका पैसा इसके बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं। हर एक को ऐसा लगता है कि हमने अमीर बनना चाहिए, हर एक को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पैसा कमाना चाहिए। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि भाई आपको यह तय करना पड़ेगा कि मेरे को पैसा कमाने का है। लोगों को यही तय नहीं है कि मैंने पैसा कमाने का कि नहीं कमाने का। नंबर दो, एक बार तय कर लिया कि मेरे को पैसा कमाने का है, फिर दूसरा क्या मैं वो पैसा कमाने के लिए वैसा सोच सकता हूं और वैसे एक्शन कर सकता हूं, तो उसके एक्शन करने के लिए भी लोगों की तैयारी होना चाहिए। मतलब एक तो तैयारी है कि भाई सोचना, सोच लाना कि मैं कर सकता हूं, और दूसरा भी उसके लिए मैं एक्शन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ऐसे दो बातें, हर इंसान को अमीर बनने का है, मगर अमीर बनने के लिए जो चाहिए वो करने की लोगों की इच्छा नहीं रहती। मैं लोगों को लगता है कि मुझे लॉटरी मिलनी चाहिए, लोगों को लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा अचानक पैसा आना चाहिए, या किसको ऐसा एक मुझे लड़का मिला, क्यों रहे आजकल कुछ काम धंधा करता नहीं, क्या हो गया, कुछ काम धंधा चालू नहीं किया। नहीं बोले, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं तो काफी अच्छा पढ़ा हूं, अभी टेम्पररी कुछ नौकरी वगैरह कुछ तो भी पकड़ लूंगा, और मैं देख रहा हूं कि अमीर बाप की लड़की से मैं शादी कर लूं ताकि मुझे पैसा मिल जाएगा। वैसे मतलब लोगों के इस तरह की सोच है कि मुझे लॉटरी में पैसा मिलेगा, या कोई रेस में पैसा मिलेगा, या कोई फुकट का पैसा मिल जाएगा तो अच्छा है। वो पैसा कमाने के लिए जो करना चाहिए वो करने की लोगों की इच्छा नहीं रहती। दूसरा, उसमें आपका कमिटमेंट है, मतलब आप वचनबद्ध हो गया, उसमें प्रतिबद्ध हो गया कि नहीं मुझे करना ही है, कोई भी हालत में करने का है, मैं रुकूंगा नहीं, तो वो अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है। अभी सवाल आता है कि अमीर हम बनते क्यों नहीं। एक तो एक्शंस नहीं होती, क्योंकि कोई भी रिजल्ट आपको पाना है तो उसके लिए एक्शन की जरूरत होगी ही होगी, एक्शन आपको करनी पड़ेगी। और सिर्फ एक्शन करके पैसा नहीं आएगा या रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो एक्शन इफेक्टिव एक्शन होना जरूरी है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं कि एखादा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, बोलता है कि मुझे है ना बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत कमीशन कमाने का है, तो सुबह उठ के सवेरे से 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक LIC पॉलिसी बेचने के लिए घर घर घूम रहा है, मगर शाम को उसकी एक भी पॉलिसी बेची नहीं गई। क्या LIC कंपनी उसको पैसा देगी? बिल्कुल ही नहीं। उसने एक्शन किए नहीं? उसने एक्शन बिल्कुल की, बहुत हार्डवर्क किया, फिर उसने जो एक्शन किया वो इफेक्टिव एक्शन नहीं, रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्शन नहीं। तो हमको ये देखना है कि हमारी एक्शन भी रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्शन होनी चाहिए। फिर अभी मैं इसको जैसा जैसा बोलते जाऊंगा, तभी इस समय भी आज आपसे कुछ बातें बताऊंगा कि क्यों हम अमीर नहीं होते। इसके लिए सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है, जो बैरियर है, वो है कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स, हमारी विचारधाराएं, हमारे दिमाग में ऐसे विश्वास बैठे हुए हैं बचपन से, उसकी वजह से हम अमीर नहीं बनते। आप पूछेंगे कौन से विश्वास है? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कुछ कुछ, मैं आपको लिमिटिंग बिलीफ्स बताता हूं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पैसे पेड़ को नहीं लगते। अब पैसे, मैं बोलता हूं कि पैसे पेड़ को नहीं लगते, ये सत्य है। अभी मैं बोलता हूं कि पैसे पेड़ को ही लगते हैं, सिर्फ वो पेड़ हमने हमारे घर पे लगाए हैं। कि देखो, सबसे महंगा कोई होटल मुंबई का होगा, समझो फॉर एग्जांपल ट्राइडेंट है, ताजमहल है, जो भी होगा, अभी उसमें 25,000 से लेके 50,000 रुपए रोज का कमरा वहां जो है, तो ऐसे काफी सारे कमरे वहां है और वो साल साल भर के लिए बुक है, लोगों ने बुक करके रखे हुए। क्या वो लोगों के पास में पैसा नहीं है? बिल्कुल है। मतलब वो लोगों के पास में पैसा है, वो लोग खर्चा कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े कॉस्ट के जो कमरे है वो साल साल भर के लिए बुक किया उन्होंने, उनके पास में पैसा है। क्या हमारे पास में पैसा नहीं हो सकता है? उन्होंने पेड़ लगाया नहीं, उन्होंने पेड़ लगाया हुआ है, उन्होंने एक्शन का, इफेक्टिव एक्शन का पेड़ लगाया हुआ है, हमने नहीं लगाया। तो एक बिलीफ है, क्या पैसे पेड़ को लगते हैं? नंबर दो। दूसरा बिलीफ यह है, बचपन से हमारे ऊपर यह संस्कार है, पैसा है ना बुरी चीज है, पैसे से ना बहुत झगड़े होते भाई भाइयों में, मतलब ऐसा बोला गया। फिर तीसरा बिलीफ है कि नहीं, पैसा जो है ना, वो अमीर एक बार बन गया और पैसा कमा लिया
फिर आदमी अहंकारी बनता है, इसलिए पैसा ज्यादा कमा के फायदा नहीं, अहंकारी बनना थोड़ी है हमको। तो ऐसे कोई बिलीफ है कि अहंकारी बनता है, या फिर पैसा है ना कमाते हैं तो लोगों को चीट करके उनको मूर्ख बना के ही पैसा कमाया जाता है, और अमीर बनना है तो लोगों को मूर्ख बनाना पड़ेगा, लोगों को मूर्ख बना के हम पैसा कमा सकते हैं, मतलब ऐसी भी एक विचारधारा लोगों के मन में है। दूसरा है कि नहीं नहीं मैं तो पैसा कमा ही सकूंगा नहीं, और पैसा कमाना मेरे नसीब में ही नहीं। फिर कुछ एक मुझे तो व्यक्ति ऐसा मिला, बोलता है कि देखो मैं पैसा कमा सकता हूँ, पैसा कमाता भी था, मगर मेरा जो बड़ा भाई है ना वो इतना अमीर नहीं, वो इतना पैसा कमाता नहीं, तो उससे ज्यादा पैसा कमाना मुझे अच्छा लगता नहीं, तो वो है। फिर तीसरा है कि नहीं नहीं हमारे घर की जो विचारधारा है वो हम संत परंपरा है हमारे घर में, और हमारे घर में ऐसा बहुत व्यापार करना, बहुत पैसा कमाना, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ है, इसलिए हम पैसा कमाते नहीं। फिर कुछ विचारधारा है कि नहीं नहीं पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए पैसा कमाना बुरा है। पैसे से क्या खुशी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। पैसे से क्या नींद आ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो खुशी मिलाना, प्यार, नींद आना, अच्छी सेहत, ये कुछ पैसे से नहीं मिलते, इसलिए पैसा कमाना जरूरी नहीं। ऐसे काफी सारे बिलीफ्स, काफी सारे विचारधारा, विश्वास लोगों के मन में, सबकॉन्शियस माइंड में इतना पक्का बैठा हुआ है कि लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कुछ पैसा कमाया और अमीर बने। एक तो व्यक्ति ऐसा मुझे मिला कि वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो है ना वैसा पैसा कमाना तो मुझे संभव ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। उसने कभी कभी पैसा कमाया भी अच्छा, मगर कमाने के बाद में उसके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ था कि मैं पैसा कमा नहीं सकता, तो उसने कमाया हुआ पैसा भी कमा लिया। मतलब इतना लोगों के मन में वो विचारधारा ऐसी, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार रहते हैं वो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के दिमाग में कि उनको लगता है कि नहीं अपन कमा ही नहीं सके, और कमाना अच्छा भी नहीं। अब इसके लिए करना क्या? इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि जो लिमिटिंग बिलीफ्स है दिमाग में बैठे हुए, अभी उसको निकालना पड़ेगा। अब ये सबकॉन्शियस माइंड में लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं पैसा कमाने के लिए लायक नहीं हूं, मैं इतना पैसा कमा ही सकता नहीं, पैसा कमाना इतना अच्छा नहीं है, पैसे से झगड़े हो जाते हैं, पैसे से भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, माँ बाप से दूर होना पड़ता है, पैसे क्या पेड़ को लगते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। ये जो बिलीव्स है ये आपको पहले दूर करने पड़ेंगे। बिलीव तो दूर होंगे नहीं क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में पक्के बैठे हुए अंदर, वो इतनी विचारधारा पक्की बैठी हुई है कोई निकलेंगे नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक काम करना पड़ेगा, अभी आप ये मेरा वीडियो सुन के वो काम कर लो कि आप कागज पेन ले लो और कागज पेन लेके पूरे अपने जो लिमिटिंग बिलीफ से लिख के डालो, लिखो पूरे लिखो, जितने भी आपके लिमिटिंग बिलीफ है, जितने भी पैसे के खिलाफ, पैसा कमाने के, अमीर बनने के खिलाफ जितने भी विचारधारा है आपकी लिखो, और फिर उसके सामने वो जो निगेटिव स्टेटमेंट है उसके सामने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखो। पैसे क्या पेड़ को लगते हैं? हाँ पैसे पेड़ को ही लगते हैं, वो पेड़ मैंने लगाया नहीं। नहीं पैसा कमाना पाप है? नहीं पैसा कमाना अच्छा काम है और पैसा हर एक को मिल सकता है। क्या मेरे घर में पैसा बहुत आ सकता है? यस मेरे घर में पैसा बहुत आ सकता है और पैसा कमाना आसान है, मैं अमीर बन सकता हूं। मतलब हर निगेटिव स्टेटमेंट के सामने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखो, और फिर वो लिखने के बाद में वो पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है, सकारात्मक जो विचार है, सकारात्मक जो सोच है, सकारात्मक जो विधान है, अभी वो बार बार आप अपने आप से बोलो, उसको विजुअलाइज करो कि मैं बहुत अमीर बन चुका हूं, मेरे पास में बहुत पैसा है, मेरे पास में सब कुछ है जो पैसे से खरीदा जा सकता है, मैं पैसा बहुत पैसा कमा रहा हूं। मतलब ऐसा विजुअलाइज करते हो, खुद को अफर्मेशन देते हो बार बार, तो क्या होगा? एक बेस बन जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, एक बेस बनेगा कि जो बेस के ऊपर आप अभी एक्शन ले सको, क्योंकि आप एक्शन लेंगे सिर्फ और बेस ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक क्लियरिंग बनना चाहिए, एक ऐसी स्पेस बनना चाहिए कि जहां पैसा आ सकेगा। तो स्पेस बनने के लिए बार बार अफर्मेशन करना, पॉजिटिव विचार पैसे के बारे में दिमाग में डालना, और स्वसम्मोहन करना, और विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ हिप्नोसिस और सेल्फ सजेशंस बार बार इतने बार देना, इतने बार करना हो कि सबकॉन्शियस माइंड को इतना हैमरिंग करने के बाद में वो जो निगेटिव थॉट्स है वो सबकॉन्शियस माइंड पूरा भूल जाएगा या पूरा उतर जाएंगे। जब आप ये करते हो तो फिर आगे सवाल आता है, फिर अभी इसके बाद में एक्शंस कौन सी है? तो आप अलग 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 एक्शंस ले सकते हो पैसा कमाने की,
वो और कोई अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अभी तो लिए इतना ही काफी है कि भाई आपके पहले आपने पक्का करना चाहिए मन में कि मुझे अमीर बनने का है। नंबर दो, मेरा कमिटमेंट है कि मैं अमीर बनूंगा। नंबर तीन, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं तो उसके लिए मैं एक्शन लूंगा। ये तीन बातें। तो नंबर चार, लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो निकालनी है। तो नंबर पांच, लिमिटिंग बिलीव्स जो निगेटिव है उसके सामने पॉजिटिव बिलीव्स लिख के वो पॉजिटिव बिलीव्स का अफर्मेशन बार बार वो बोलना और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसका हैमरिंग करके पॉजिटिव बेस तैयार करना, एक क्लियरिंग तैयार करना, एक वातावरण अंदर सबकॉन्शियस माइंड में तैयार करना कि जहां से एक एक्शन लेने के लिए ग्राउंड मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप अमीर बनने के लिए एक ग्राउंड बैकग्राउंड वर्क किया आपने होगा। तो आप और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी आप लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।